ना वो अभी हम आ गए हैं सोन नदी पे, है ना। और सोन नदी के बारे में जानने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखा करें, है ना, लाइक किया करें, शेयर किया करें चैनल को, है ना, और सब्सक्राइब भी किया करें। यह है सोन नदी, तो सभी को बोलिए हरे कृष्णा। और सोन नदी पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सोन रिवर राइजेस इन द अमरकंटक प्लेट्यू। तो सोन नदी कहाँ से शुरू होती है, तो अमरकंटक प्लेट्यू से शुरू होती है। एकदम शॉर्ट शॉर्ट में पार कर दूंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स में पहले ही बता रखे, तो ये रिवीजन के तौर पे है। और नोट्स बनाने के लिए मोस्टली मैंने ये वीडियो नोट्स बनाने के लिए डाला क्योंकि नदियाँ मैंने सारे कवर पहले करा चुका हूँ, है ना। इट्स सोर्स इज़ क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ नर्मदा, जहाँ से नर्मदा शुरू होती है वहीं से अमरकंटक के प्लेट्यू से ही शुरू होती है सोन रिवर। ये कैमूर रेंज को पास करती है और ये कैमूर का जो रेंज है ये बिहार के सासाराम तक आता है। तो ये सोन रिवर का अमरकंटक से शुरू होता है, जहाँ से नर्मदा शुरू होता है, कैमूर रेंज को पास करता है। इट ज्वाइंस द गंगा नियर दानापुर। अब ये दानापुर में गंगा को ज्वाइन करता है पटना डिस्ट्रिक्ट में, है ना। पटना एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पर जाकर के ये सोन नदी जो है दानापुर को ज्वाइन करता है, कैमूर रेंज को पास करता है। इट फ्लोज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 784 किलोमीटर फ्रॉम इट सोर्स, जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ 784 किलोमीटर का दूरी तय करके आता है। अरे यार आपसे तो मैं तंग हूँ मेरे बालक। तो आप ये सोन नदी देख रहे हैं, सोन नदी अमरकंटक प्लेट्यू से शुरू हो रहा है, इसका ओरिजिन नर्मदा के पास ही है, अमरकंटक प्लेट्यू का भी ओरिजिन वहीं पे है, दानापुर में आकर के ये मैच कर जाता है, कैमूर रेंज को पार करता है। दानापुर पटना में एक जगह है जो कि पटना एक ज़िला है बिहार में, 784 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस तय करती है गंगा में मिलने से पहले। द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन, सोन की कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो सोन को बनाती हैं, वो हैं जोहिला, एक का नाम है गोपत, एक का नाम है रिहंद और कान्हर, ठीक है, नॉर्थ कोयल, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक का पहला का नाम याद रखें, जोहिला, गोपत, रिहंद, कान्हर एंड नॉर्थ कोयल। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट ऑन द राइट बैंक, सारे ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं कि राइट बैंक पे ज्वाइन कर रही हैं, जोहिला को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। लिखे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, क्या लिखा हुआ है। नाउ ये सोन रिवर ख़त्म होता है, अब आगे चलते हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगास, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा को देखने से पहले हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और सोन नदी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप चाहे तो इसका नोट्स के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आप वीडियो को यहीं पे रोक करके और नोट्स के लिए लिख सकते हैं। और हम थोड़ा प्रमोशन का प्रचार कर लेते हैं, इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, तो प्रमोशन मतलब ये करना पड़ता है कभी कभी, अन्यथा करते ही नहीं है, मतलब हाँ बिना बोले करते ही नहीं, शेयर तो करते ही नहीं, मैं एक वीडियो भी मेरा शेयर नहीं किया गया है, मतलब इतना भी ख़राब स्थिति तो नहीं है और इतना ही पढ़ने में एक्सेलेंट तो नहीं होगा, मतलब शेयर भी नहीं कर सकते, दोस्त ही नहीं है एक भी। करो करो, बोलो उन्हें, पर्सुएड करो, बोलो कि देखो इसको वीडियो नहीं देखोगे तो फेल हो जाओगे, समझ लो। हाँ बोलो कि इसको सारे के सारे सवाल इसी वीडियो में से आ रहे हैं। अच्छा ऐसा आता है क्या सच में? हाँ आता है ना, इस बार बीपीएससी में लगभग 17 सवाल आए थे भाई साहब, 24 घंटे के वीडियो में से 17 सवाल आना, यू नो मजाक थोड़ी। ओके, तो ये कान्हर, नॉर्थ कोल, गोपत, रिहंद याद रह जाएगा, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अब अगले वीडियो में आएगा गंगा।